और महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। क्राइमिया से बड़ी खबर है, जहां पर यूक्रेन ने क्राइमिया से 200 किलोमीटर दूर रूस के एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस ड्रोन हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन रूस ने यह जरूर कह दिया है कि उसने 24 घंटे में यूक्रेन के 73 ड्रोनों को या तो मार गिराया या उन्हें टारगेट हिट करने से पहले जैम कर दिया है। रूस पर ड्रोन की बारिश ने पुतिन की नींद उड़ा दी है। क्राइमिया टू क्रेमलिन, ज़ेलेंस्की इस वक्त रूस पर कहर बनकर बरस रहे हैं। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम, हम आपको बता दें, लगातार जो है यूक्रेन के ड्रोन हमलों के सामने बेहद कमजोर दिखने लगा है। जमीन, आसमान और पानी में ज़ेलेंस्की को जहां मौका मिल रहा है, रूस को ड्रोन हमले से रौंदने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की को कमजोर आंकने की भूल करने वालों को यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। दिन का उजाला हो या रात का घुप अंधेरा, मॉस्को पर मौत वाला साया मंडरा रहा है। रूस के एयर डिफेंस की ज़ेलेंस्की के ड्रोनों ने छिंदी छिंदी बिखेर दी है। क्राइमिया में ड्रोन का कहर, यूक्रेन की मिलिट्री एजेंसी का दावा है कि उसने क्राइमिया से 200 किलोमीटर दूर रूस की 126वीं कोस्टल डिफेंस ब्रिगेड बेस पर जोरदार हमला किया है। यह बेस क्राइमिया का पेरेवलनोय है, जहां रूस ने 2014 से अपना बेस बना रखा है। महायुद्ध के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि यूक्रेन के ड्रोन रूस के कब्जे वाले बेहद संवेदनशील इलाके में घुसे और तबाही भी मचाई। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट बता रही है कि इस हमले में जान भी गई है, लोग जख्मी भी हुए हैं, लेकिन रूस का रक्षा मंत्रालय कहता है कि हमले तो हुए हैं, एक नहीं 42 ड्रोन हमले, लेकिन बेस पर होने की बात तो रूस की तरफ से नहीं कही जा रही। रूस के रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा, सुनिए। क्राइमिया के ऊपर यूक्रेन के 42 ड्रोनों से हमला किया गया। इनमें से 9 ड्रोनों को रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया और 33 ड्रोनों को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की मदद से टारगेट हिट करने के पहले जैम कर दिया गया। बहरहाल दोनों के दावों के बीच क्राइमिया पर जो हमले हो रहे हैं उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रूस की रक्षात्मक शक्ति भी सवालों के घेरे में है, लेकिन इसकी डिटेल आगे। अभी तो सायरन की चीखती आवाजों वाले शहर मॉस्को में दहल रहे लोगों की तस्वीरें। द बर्निंग मॉस्को, डेढ़ साल में युद्ध की दशा और दिशा दोनों बदल गई है। यकीन नहीं होता तो एक और तस्वीर देखिए। यह ऊंची इमारत रूस की आन बान शान की प्रतीक है और आपके जेहन में इसके ऊपर ज़ेलेंस्की के शोले बनते ड्रोन की तस्वीरें भी ताजा हैं। उसी कड़ी में एक और तस्वीर देखिए। मॉस्को पर ड्रोन और मिसाइल से यूक्रेन ने हमला किया है। रूस के मेयर ने खुद बताया है कि हमलों को देखते हुए 3 एयरपोर्ट कुछ घंटों के लिए बंद करने पड़े। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने कहा कि मॉस्को क्षेत्र के इस तरह जिले के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम ने एक ड्रोन को मार गिराया। मॉस्को के 3 एयरपोर्ट्स, जिन्हें ज़ेलेंस्की के डर ने बंद करने के लिए विवश कर दिया, उन्हें मैप पर देखिए। शेरे मेदयेव, दोमो देदोआ और वनुको
और यही क्यों पिछले हफ्ते यूक्रेन के ड्रोन हमलों से डरे रूस को अपना मॉस्को एयरपोर्ट तक बंद करना पड़ा। मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार को मॉस्को एयरपोर्ट कई घंटों के लिए बाधित हुआ। आर्मी बेस, बाशिंदों से भरे शहर में, समंदर में, आसमान में ज़ेलेंस्की के ड्रोनों ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को लहूलुहान कर दिया है। ज़ेलेंस्की के ड्रोन हमलों को रोकने की पुतिन की सारी कोशिश नाकाम साबित हो रही है। ज़ेलेंस्की रूस में जिस जगह चाहे ड्रोन हमला कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के ड्रोनों की ताकत के सामने पुतिन के बेहद तेज हमले मध्यम लगते हैं, क्योंकि पुतिन चार मारेंगे तो शोर होगा और ज़ेलेंस्की ने एक भी मारा तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। ये लड़ाई दो गैर बराबर ताकतों के बीच है, जिसका फायदा तीसरा नाटो नाम का संगठन उठा रहा है, लेकिन उसकी चर्चा यहां नहीं। यहां तो ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक की काट ढूंढते रूस के जनरल की बात। За сутки перехвачено 5 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и противорадиационная ракета HARM производства. 18 अगस्त 2023 मॉस्को पर ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम। 1 अगस्त 2023 एक कॉमर्शियल बिल्डिंग पर ड्रोन हमला। 30 जुलाई 2023 एक साथ कई ड्रोन हमले। 24 जुलाई 2023 मॉस्को की दो इमारतों पर ड्रोन अटैक। मतलब एक बारगी युद्ध की बदलती तस्वीर ज़ेलेंस्की की शान नहीं बढ़ा रही, बल्कि पिछले महीनों में यूक्रेन लगातार रूस के भीतर घुसकर हमला कर रहा है। मॉस्को में इसी कारण एयर डिफेंस सिस्टम पंचशीर इमारतों की छतों पर लगाए गए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की के ड्रोनों की जोरदार धार के बीच कुछ काम नहीं आ रहा। बहुत बारीक और ठोस रणनीति के तहत ज़ेलेंस्की रूस को ड्रोन हमलों का शिकार बना रहे हैं। यूक्रेन ने क्राइमिया के निकट काला सागर में एक रूसी टैंकर को भी निशाना बनाया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने कहा कि रूस कर्ज जलड मरुमध्य के असैन्य पोत पर हुए यूक्रेन के आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है। इस प्रकार से बर्बर कृत्यों को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाब देना होगा। इस हमले का षड्यंत्र रचने वाले और हमला करने वाले लोगों को निश्चित ही दंडित किया जाएगा। यूक्रेन ड्रोन का काला सागर में किया गया ये दूसरा हमला है। इससे पहले यूक्रेन ने एक प्रमुख रूसी बंदरगाह पर हमला किया था। कीव की नौसैन्य शक्ति बढ़ाने के साथ ही काला सागर अहम युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है। रूस ने करीब 3 हफ्ते पहले यूक्रेन के समुद्री मार्ग से अनाज निर्यात करने संबंधी समझौते को समाप्त करने की घोषणा की थी और यूक्रेन के बंदरगाहों को निशाना बनाया था, जिसके बाद यूक्रेन ने पलटवार किया। इसी तरह यूक्रेन रूस के हमलों का जवाब अपने ड्रोन के जरिए ही दे रहा है। दुनिया के कई वॉर एक्सपर्ट्स की यहाँ राय जाननी जरूरी है, क्योंकि पुतिन को इन ड्रोन हमलों का काट निकालना ही होगा, वरना एक तरफ यूक्रेन की जमीन पर जीत और दूसरी ओर अपनी जमीन पर लगातार हमले, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। लेकिन सवाल है कि हल क्या है। उसके लिए रूस के एयर डिफेंस की शक्ति की बहुत संक्षिप्त जानकारी आपको होनी चाहिए। रूस के पास दुनिया का सबसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन ज़ेलेंस्की का दावा है कि उन्होंने इस सिस्टम के भी चीथड़े उड़ा दिए हैं। यूक्रेन की फौज ने क्राइमिया में एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को ढेर करने का वीडियो भी जारी किया। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को दबा कर दिया। यूक्रेन के ड्रोनों का निशाना इतना सटीक था कि जोरदार विस्फोट हुआ, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। रूस इस बात पर अपनी पीठ थपथपाता आया है कि उसके S-400 को दुनिया की कोई ताकत नहीं भेद सकती।
रूस का दावा है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जमीन से हमला करके आसमान में लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को गिरा सकता है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने अपने खतरनाक ड्रोन से उसको तबाह कर डाला। महायुद्ध में रूस का सब कुछ तो नहीं, तो भी बहुत कुछ दांव पर लगा है। एक छोटे से सैनिक शक्ति वाले देश ने रूस की बलशाली कही जाने वाली सेना को नाकों छने चबाने पर मजबूर कर दिया है। ड्रोन के तौर पर ज़ेलेंस्की को एक ऐसा नायाब हथियार मिल गया है जो कुछ हजार में आता है और बम से दुश्मन पर हमला कर देता है, खुद भी तबाह होता है और दुश्मन के इलाके को भी तबाह कर देता है। ज़ेलेंस्की के ड्रोन हमलों का सच यह है कि जब यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से हमले करने शुरू किए तो पश्चिमी देशों को लगने लगा कि मामला अभी हाथ से निकला नहीं है, वरना कहा जा रहा था कि ज़ेलेंस्की का काउंटर अटैक ढाक के तीन पात हो गया है, कहीं कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही ज़ेलेंस्की ने ड्रोन हमले बढ़ाए, कहर मच गया। अब कोई ऐसा दिन नहीं है जब पुतिन अपने टॉप के कमांडर्स के साथ मीटिंग ना कर रहे हो। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब रूस का कोई ना कोई इलाका ड्रोन के हमलों से थर्रा नहीं जाता हो। यूक्रेन मॉस्को पर UJ-22 एयरबॉर्न नाम से एक हाईली वर्सिटाइल यानी अत्यधिक बहुमुखी ड्रोन से हमले कर रहा है। इस ड्रोन को स्वायत्त रूप से या दूर किसी कमांड सेंटर से कंट्रोल किया जा सकता है। ये ड्रोन 82 mm के 4 मोर्टार माइंस या 4 RPG-7 ग्रेनेड तक ले जा सकता है। UJ-22 एयरबॉर्न लंबी दूरी के मिशनों को सटीकता के साथ अटैक कर सकता है। ये ड्रोन यूक्रेन बड़े पैमाने पर अपनी फैक्ट्री में तैयार कर रहा है। 24 घंटे यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्री में प्रोडक्शन चालू है। ज़ेलेंस्की के सामने पिक्चर क्लियर है कि करोड़ों की मिसाइल को पश्चिमी देशों की कृपा से हासिल कर उसे रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने से सस्ते ड्रोन ही अच्छे हैं जो मनचाहा रिजल्ट दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की के UJ-22 ड्रोन की अधिकतम दूरी 800 किलोमीटर तक उड़ान भरने की है। मॉस्को यूक्रेन की सीमा से लगभग 600 किलोमीटर है। ऐसे में ये ड्रोन मॉस्को पर हमला करने में सक्षम है। मतलब यूक्रेन से मॉस्को की भौगोलिक दूरी एकदम ज़ेलेंस्की के ड्रोन हमले के माफिक है। रूस का रक्षा मंत्रालय दावा करता रहा है कि यूक्रेन के ज्यादातर ड्रोन हमले अपने टारगेट को हिट करने के पहले रूस के सिस्टम से हिट कर दिए जाते हैं। कुछ को रूस का एयर डिफेंस सिस्टम जैम कर देता है, लेकिन सवाल है रूस की फुल प्रूफ सुरक्षा का। आलम भी ये है कि मॉस्को खौफ में है तो रूस के दूसरे शहरों का क्या होगा? ज़ेलेंस्की के ड्रोन से कैसे बचेगा रूस? दलील ये दी जा रही है कि रूस ने काफी कुछ एयर डिफेंस सिस्टम सीमा पर लगा रखे हैं और इन्हें वहां से हटाया गया तो यूक्रेन के अंदर लड़ रही रूस की सेना को परेशानी होनी शुरू हो जाएगी, लिहाजा उन्हें हटाकर शहर को बचाना बुद्धिमानी नहीं हो सकती। तो सवाल फिर वही कि कैसे बचे रूस?